देखिएगा 8.4 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स। अब आपका फोर नंबर तक तो मैंने बता दिया था पिछला वीडियो में, अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में 10 क्वेश्चन है टोटल, है ना। 5 में आपका हाँ 10 क्वेश्चन है टोटल। तो कह रहा क्या प्रूव करना, प्रूव मींस होता है LHS इक्वल RHS, है ना। क्या कहता है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, है ना, साबित कीजिए। फॉलोइंग मींस नीचे दिया गया आइडेंटिटीज को, है ना। टोटल 10 क्वेश्चन है। हियर द एंगल्स इन्वॉल्वड आर एक्यूट एंगल्स, जिसमें एंगल्स जो है यानी थीटा, ये जो एंगल बता रहा है ये कौन एंगल्स है, एक्यूट एंगल्स है। ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है, है ना, ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है, रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। रिफ्लेक्स एंगल मतलब होता है आपका 180 डिग्री से ज्यादा, 360 डिग्री से कम, मोर देन 180 और लेस देन 360, ये रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो यहाँ पर स्पष्ट कह दिया है कि फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर जो एंगल्स है इन्वॉल्व मीन्स शामिल, है ना, इन्वॉल्व मीन्स शामिल, जो एंगल्स शामिल है एक्विट एंगल्स है। कौन सा एंगल्स, एक्विट एंगल्स, यानी लेस देन 90 मोर देन 90, यानी थीटा वगैरह जो कहा है वो लेस देन 90 है और मोर देन 0। तो व्हिच एक्सप्रेशन आर डिफाइन, फॉर व्हिच एक्सप्रेशन डिफाइन, जिसके लिए एक्सप्रेशन डिफाइन किया गया है, है ना, जिसके लिए एक्सप्रेशन यानी प्रूव करना। प्रूव का मतलब LHS इक्वल आ रहा है, चलो LHS लेते हैं। प्रूव देखिए, अब इसी तरह कोई भी वे आप अप्लाई करो उससे मतलब नहीं है। और देखिए ना, प्रूव क्या, मैं क्वेश्चन देखूंगा और मैं बता कह दूंगा कि ये का काम करना है आपको। मैं क्वेश्चन देख के बता दूंगा कि ऐसे आपको करना है, प्रूव हो जाएगा। बस मैं बता रहा हूं उस समय, एकदम ध्यान से देखिएगा, है ना, माइंड इधर उधर डाइवर्ट मत कीजिएगा, वीडियो को बढ़ा बढ़ा कर नहीं देखिएगा, है ना, स्किप करके नहीं देखिएगा, आपको 100% क्लियर होगी। ध्यान से देखिएगा, क्या समझ गया ना, प्रूव करना है दिया गया आइडेंटिटीज को, जहां पे एंगल जो है एक्विट एंगल्स है, है ना, जिसके लिए एक्सप्रेशन डिफाइन है, ठीक है। तो प्रूव मीन्स LHS इक्वल RHS, चलो मैं LHS लेता हूं। अब एक बात का ख्याल रखूंगा, जिसको लाना है उस पर नजर भी आए रखो। तो प्रूव लाना क्या है हमको, 1 cos theta / 1 cos theta, तो इस पर नजर भी आए रखिएगा, है ना। प्रूव मीन्स LHS इक्वल RHS, तो LHS हमने लिया cosec theta माइनस cot theta का होल स्क्वायर, और लाना है उस पर नजर भी आए रखिए। लाना क्या है, 1 cos / 1 cos, तो इस पर नजर भी आए रखिए, जो लाना है उस पर नजर भिड़ाए रखिए। तो क्या लाना है, 1 cos / 1 cos, यानी cos लाना है। क्या लाना है, इसका मतलब cos में बदलना पड़ेगा। तो अकेले तो cos, ये तो बदला देगा, अकेले की cos में नहीं, cos sin बदलाएगा। जब cos है तो sin भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब cos लाना हो आप sin भी दिमाग में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर tan cot रहेगा तो केवल cos या sin में चेंज नहीं होता है, sin cos दोनों में चेंज होता है। तो क्या लाना है हमको, cos, तो चेंज कर दो cos में, तो ये हो जाता है cosec का फॉर्मूला 1 / sin। तो कहेगा sin कहला लाया, तो sin cos दोनों एक साथ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस cosec का हो जाएगा 1 / sin। फॉर्मूला देखिए दिमाग में रखिएगा भाई, कुछ कुछ बच्चे कहते हैं कि सर कभी कभी बताते हैं नहीं समझ में आती है, रीजन क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर नहीं दिमाग में आप, तो फॉर्मूला जो है 2 बार 3 बार आप लिख लो, याद हो जाएगा। कुछ बच्चे कहा करते हैं कि सर नहीं समझ में आता है कि कैसे कैसे वहां पर करते हैं, तो आप फॉर्मूला 2-3 बार पहले आप खुद से लिखो, क्लियर होगा, ठीक है। रिपीट कर देता हूं मैं, चलिए, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos / sin, होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर है। अब एलसीएम ले लेते हैं तो 1 cos / sin, देखिए आ गया ऊपर 1 cos, ऊपर आ गया ना, तो लाना क्या है cos, तो cos में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर sin में क्यों थे, तो और कोई रास्ता भी नहीं था, तो cos sin दोनों एक साथ आप मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लेनी, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला आ जाएगा, तो 1 cos θ के होल स्क्वायर, स्क्वायर दोनों के लेना है, नीचे क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर, भी एंगल का तो स्क्वायर होता नहीं, तो केवल sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप बताइए
वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर का क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस और वन को वन स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत है। साइन स्क्वायर देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला में बगल में लिख दिया है ना। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया, कोसेक थीटा इक्वल टू वन बाई साइन थीटा, और क्या कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाई साइन है ना। तो चलिए ये मान लो घन साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया, बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना। तो चलिए वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर ऐसा करते हैं, इसको दो बार लिख देते हैं, और नीचे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना। वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर दो बार लिख दिए, कोई परेशानी नहीं, फॉर्मूला बन गया स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए के जगह वन और बी के जगह कॉस, तो वन माइनस कॉस और वन माइनस कॉस ये को कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा वन माइनस कॉस थीटा बाई वन प्लस है ना, ऊपर में बच गया वन माइनस कॉस थीटा और नीचे में बच गया वन प्लस आर एच एस आ गया, ठीक है। यही तो लाना था आर एच एस, इसमें डायरेक्ट आ गया। कभी कभी होता है कि दोनों लेना पड़ता है, एल एच एस भी लेना पड़ता है और आर एच एस भी लेना पड़ता है। देखिए बगल में मैं कौन कौन फॉर्मूला यूज किया हूँ, लाना है, ये वाला क्या है लाना है, जो मैंने लिख दिया बगल में मैंने लिख दिया कि कौन कौन फॉर्मूला मैंने यूज किया, ठीक है। सेकेंड नंबर देखिएगा आपका, सेकेंड नंबर है cos by 1 plus sin a, cos by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a, 1 plus sin a by cos a is equal to लाना है 2 sec a, ठीक है 2 sec a। अब एक बात दिमाग में माइंड में सेट कर लीजिए है ना, 2 मींस तो जान समझ गए LHS equal RHS। अब हमको एक बात बताइए, बड़ा को छोटा करना आसान कि छोटा को बड़ा करना आसान, छोटा को बड़ा करना आसान, कुछ बच्चे का जवाब है छोटे को बड़ा करना आसान, कुछ बच्चे का जवाब है बड़ा को छोटा करना आसान। एग्जांपल देता हूँ, बिल्डिंग ढह देना आसान है कि बिल्डिंग बनाना आसान है, यानी बड़ा को छोटा, बिल्डिंग ढह दिए बिल्डिंग गिरा दिए, यानी बड़ा को पहले बिल्डिंग था तो बड़ा बड़ा था, अब गिरा दिए तो छोटा हो गया, तो बिल्डिंग गिरा देना कितना आसान लेकिन बनाना, अरे बाप अरे बाप बड़ा मुश्किल है जी आज के डेट में, खासकर बिल्डिंग बनाना है ना, साल भर दो साल जहाँ चार साल भी लग जाता है बिल्डिंग बनाने में, लेकिन गिरा दीजिए ना आपको दस माहज जो है एक से दो मिनट में गिर जाएगी पूरी, डायनामाइट लगा दीजिए एक से दो मिनट में बिल्डिंग गिर जाएगी। तो बताइए बड़ा को छोटा करना आसान कि छोटा को बड़ा, तो बड़ा का छोटा, बिल्डिंग गिरा देना बहुत आसान लेकिन बनाना, तो बड़ा कौन है LHS की RHS, LHS तो बड़ा वाला लेती है चीजें ज्यादा, तो LHS क्या है cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a, बड़ा को छोटा करना आसान, जब भी हो बड़ा तो बड़ा वाला लीजिए, छोटा बहुत आसान से आ जाएगा। एक बार फिर से बड़ा को छोटा कर, वही ट्रिगोनोमेट्री में कंसेप्ट यूज किया, बड़ा को छोटा करना आसान तो बड़ा कौन LHS वाला, ठीक है। अलाना क्या है हमको 2 sec, अब ना समझ में आता है तब बताइए गाड़ी को क्या करते हैं, पीछे कर लेते हैं, कहीं जा रहे हैं असमझ में ना आता है तब गाड़ी को क्या करते हैं बैक, तो वही काम हम भी करते हैं, हमको ना समझ में आ रहा है कि लाना क्या है तो जरा बैक किए तो वन बाई कॉस, अच्छा यानी किसमें चेंज करना पड़ेगा कॉस में, किसमें चेंज करना पड़ेगा 2 इंटू अपने आप आ जाएगा बाद में, देखिए लाना क्या है, यानी अभी हमको नहीं समझ में आ रहा था कि सेक कैसे, तो जरा पीछे गए जा रहे हैं नहीं समझ में आता है तो गाड़ी को पीछे करते हैं ना, तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, सेक लाना था हमको समझ में नहीं आ रही थी कि क्या लाना है, तो जरा पीछे गए तो क्या मिला 1 बाई कॉस, यानी क्या लाना है कॉस में लाना है, तो कॉस तो है ही, कॉस तो यहाँ पे है ही, तो किस लिए
तो एलसीएम लीजिए, एक रास्ता है क्या लीजिए एलसीएम। ना समझ में आता पीछे किए तो कौन सा आया, तो है ना आपका कॉस आया, तो कॉस तो यहाँ पे साइन कॉस कॉस तो है, तो साइन से भी कंपेयर कीजिए कोई दिक्कत नहीं, तो साइन कॉस तो है ही है, तो चलिए एलसीएम लीजिए। और क्या कीजिएगा, एलसीएम लेंगे वन माइनस साइन ए इंटू कॉस ए ही आ जाएगा। ठीक है, देखिए एलसीएम लेते हैं वन प्लस साइन ए और कॉस ए, लगेगा किसी से, किसी से नहीं लगेगा, वन प्लस साइन ए और कॉस ए लिए तो किसी से नहीं लगेगा, तो नहीं लगता है तो क्या कर देते हैं इंटू कर देते हैं, तो वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब जितना एलसीएम आता है उसको इससे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए को डिवाइड करेंगे किससे, वन प्लस साइन ए से, तो वन प्लस साइन ए कट जाएगा तो बचेगा कॉस ए, बचेगा क्या कॉस ए को इंटू कर देंगे, फिर जितना डिवाइड करके आता है उसको ऊपर वाला से इंटू, तो कॉस ए को कॉस ए से इंटू करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ए का तो स्क्वायर होगा नहीं, ए चूंकि एंगल है, प्लस उसी तरह वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए को डिवाइड कर देंगे अगर किससे कॉस ए से, तो कॉस ए हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या वन प्लस साइन ए, अब वन प्लस साइन ए आया जितना आया डिवाइड कर तो उसको ऊपर वाले से इंटू कर देंगे, वन प्लस साइन ए को वन प्लस साइन ए से इंटू कर देंगे, तो वन प्लस साइन ए का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर है ना, वन प्लस साइन ए आया डिवाइड करके तो ऊपर वाले से इंटू कर दिए, तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना, आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये कॉस स्क्वायर है पहले से है, फॉर्मूला ए स्क्वायर तो ए के जगह वन स्क्वायर प्लस बी के जगह साइन ए स्क्वायर प्लस टू ए के जगह वन सी के जगह साइन ए। ठीक है, इधर वाला इरेज कर देता हूँ, है ना, कोई काम तो रहा नहीं है, है ना, इधर वाला मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो टू इंटू टू ए बी अब बाई वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, अब जरा देखिए कॉस स्क्वायर ए इसको जरा अरेंज कर देते हैं, वन प्लस चलो एक लाइन बढ़ा ही देता हूँ प्लस टू साइन ए अब बाई वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, आप बताइए हमको कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को एक जगह लिख देता हूँ मैं, या पहले साइन स्क्वायर ही लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, पूछिएगा क्यों लिख दिए, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, इसको एक साथ कर दिए प्लस वन प्लस टू साइन ए बाई वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर को एक जगह, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर होता है वन। ठीक है, अब पहला सवाल एक पहले से है, ये साइन यहाँ पर लिख देते हैं कौन फॉर्मूला लगाए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन, है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिए वन, ये वन पहले से है प्लस टू साइन ए बाई वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो वन बन क्या हो जाएगा टू, इधर जरा लिख देता हूँ वन बन क्या हो जाएगा टू प्लस टू साइन ए, है ना टू प्लस टू साइन ए, नीचे है वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे वाले को कुछ नहीं किए हैं, नीचे वाले को आप कहेंगे सर वन को आप कॉस ए से साइन ए को कॉस ए से इंटू करने किए, जवाब मिल जाएगा आपको, कहेगा यहाँ पर एलसीएम नहीं इतना आया था कॉस ए को इसको इससे इंटू करने किए, तो देखिए टू कॉमन हो जाएगा तो टू से वन टाइम, है ना प्लस क्या बचेगा साइन ए अब बाई वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन ए कैंसिल, कुछ नहीं तो क्या बचा ऊपर वन, कुछ नहीं तो क्या क्या बचा टू इंटू वन वाई कॉस ए आ गया, टू इंटू वन वाई कॉस ए टू वन वाई कॉस ए इक्वल टू सेक वन वाई कॉस ए इक्वल टू आर एच एस, कितना आसान था बताइए।
वन वाइज कॉसेक है, क्या लिख दिए सिर्फ क्या किया RHS। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड LHS इधरवाला RHS, तो मैंने अभी बताया बड़ा को छोटा करना आसान कि छोटा को बड़ा, तो आपका जवाब था बड़ा को, तो बड़ा को नहीं इधर वाला, बड़ा को छोटा करना आसान है ना, बड़ा को छोटा करना तो बड़ा इनके इधर वाला LHS इधर वाला, ठीक है तो बड़ा इधर वाला है, तो चलो LHS लेता हूं मैं। हालांकि इसमें हिंट दे दिया है LHS क्या है, tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा और प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, तो बड़ा को छोटा करना आसान है ना, तो बड़ा कौन है LHS वाला। अब देखिए हिंट दे दिया कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा, कहता हिंट दे दिया कि एक्सप्रेशन को sin थीटा और cos थीटा में आप चेंज कर दें, राइट द एक्सप्रेशन को आप sin थीटा और cos थीटा में चेंज कीजिए। हमको भाई यहाँ तो हिंट दे दिया है, कभी कभी ऐसा होता है कि हिंट नहीं देता है, अरे यहाँ पर तो हिंट लिखा हुआ है कि आप सबको कैसे में चेंज कर दीजिए साइन थीटा और, हम देखिए कैसे पकड़ लेते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा, ये तो पक्का सही है कि साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करना, कैसे पकड़े लाना क्या है हमको 1 प्लस sec थीटा और cos sec थीटा, ना समझ में आता है तो गाड़ी को पीछे कर लीजिए, ना समझ में आता है तो पीछे करते हैं ना गाड़ी को, तो हम भी पीछे किए 1 प्लस sec को पीछे करेंगे तो 1 बाई cos, ये अच्छा यानी sin cos में लाना है जी, आप समझ में आ गए कि sin cos में क्यों चेंज करना है, हिंट क्यों दे दिया कि sin cos में चेंज कीजिए, आप पीछे किए 1 बाई cos और 1 बाई sin, अच्छा यानी कैसे में चेंज करना है sin में, और कुछ लोग कहते हैं ना कि सबसे हार्ड हमको लगता है sin थीटा cos थीटा वाला, लेकिन मैं कहता हूं सबसे आसान चैप्टर है साइन थीटा कॉस थीटा यानी ट्रिगोनोमेट्री वाला, कैसे बस कॉन्सेप्ट आप देखते जाइए, कैसे वीडियो को बढ़ा बढ़ा कर नहीं देखना है, शुरू से अंत तक देखना है, ठीक है मैं समय दे रहा हूं आपको समझाने में, ठीक है तो पीछे किए तो कॉस और साइन यानी सबको बदलना है साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए, तो टेन की जगह क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा और बाई वन माइनस कॉट की जगह कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है tan के जगह sin by cos और नीचे 1 minus cos cot के जगह cos by sin plus cot के जगह cos by sin अब भाई 1 minus tan के जगह sin theta by cos theta है ना, cot के जगह cos by sin अब भाई 1 minus tan के जगह sin by cos, ठीक है चलिए नीचे वाले में LCM निकल जाए, ऊपर तो LCM होगा नहीं, LCM कब होता, अब LCM हो सकता था है ना, LCM हो सकता था लेकिन यहाँ पर अकेले साइन तो LCM तो होगा नहीं, तो ऊपर जैस का तैस लिखिए LCM ले लेते हैं, बताइए नीचे कुछ नहीं तो वन, नीचे कुछ नहीं तो वन LCM लिए तो आ गया साइन थीटा LCM, साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा और 1 से इंटू कर दीजिएगा तो भी साइन थीटा है, माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड कीजिएगा 1 और 1 को कॉस से इनटू कीजिएगा तो कॉस थीटा, प्लस कॉस बाय साइन बाय यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अब बाय कॉस थीटा, मेन डिवाइड कौन है जरा हमको बताइए, ये वाला है जी टैन के बाद है मेन डिवाइड, तो टैन कहां तक साइन बाय कॉस यहां तक है टैन, तो ये वाला मेन डिवाइड, ये वाला तो मेन डिवाइड को इनटू में बदल देते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इनटू साइन थीटा चल जाएगा ऊपर और साइन माइनस कॉस आ जाएगा नीचे, उसी तरह प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा चल जाएगा ऊपर और कॉस माइनस साइन नीचे आ जाएगा, है ना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे चलेगा, तो साइन इनटू साइन ऊपर क्या हो जाएगा साइन इंटू साइन हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का तो स्क्वायर होगा नहीं क्योंकि एंगल का स्क्वायर नहीं होता, पहले ही मैंने बता दिया था साइन थीटा के स्क्वायर करिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं, ऐसा नहीं होता, एंगल का स्क्वायर कीजिएगा जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का स्क्वायर मतलब क्या यहाँ पर साइन स्क्वायर 930 का स्क्वायर 900 तो 900 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये मैंने एक्सप्लेन पहले कर दिया था, ये सब बात पे भी
आप लोग ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, नीचे क्या है बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए जरा सा एक चीज जरा गौर से देखिएगा ना तो आपको दिखेगा। देखिए तो नीचे साइन कॉस सेम टू सेम है, साइन यहाँ पर कॉस का साइन माइनस है, यहाँ पर कॉस का साइन प्लस है, यहाँ पर कॉस साइन का साइन माइनस है, यहाँ पर साइन का साइन क्या है मैंने वही चीज है, लेकिन साइन जो है चिन्ह बच्चे है। तो साइन को ध्यान दीजिएगा, साइन कॉस यहाँ भी साइन कॉस है, साइन का जो चिन्ह है माइनस, यहाँ पर साइन का चिन्ह प्लस, कॉस का जो चिन्ह है माइनस, यहाँ पर कॉस का चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो क्या है, तो वही चीज है, केवल चेंजिंग किसमें है साइन में। तो ऐसा करिए ना, हम ऐसा करते हैं कि साइन को ही हम चेंज कर देते हैं, तो साइन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। साइन चेंज करने के लिए आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ठीक है साइन थीटा पहले से है, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा दम सेम टू सेम है वह, और आपको थोड़ा सा चेंज है, तो साइन चेंज करने के लिए आपको कॉमन लेना पड़ेगा माइनस, तो कॉमन लीजिएगा साइन, यहाँ पर साइन जो माइनस है हो जाएगा प्लस, यहाँ पर कॉस प्लस है जो हो जाएगा माइनस। देखिए साइन थीटा फिर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर मैंने साइन थीटा लिख दिया जैस का तैस, माइनस कॉमन लीजिए तो यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत, या आप ऐसा कीजिए छोड़िए इंटू माइनस आप यहाँ पे लिखिए, साइन कुछ नहीं यहाँ पर, तो इंटू का साइन होगा ना, जरा देखने में अच्छा नहीं लगता माइनस की इंटू में, यहाँ पर लिख देंगे तो कोई परेशानी है, अरे साइन थीटा इंटू माइनस लिखिए या माइनस साइन थीटा लिखिए, बात है कि नहीं जी, साइन थीटा इंटू माइनस लिखिए या माइनस साइन थीटा, बात एक ही है। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लिए आपका साइन थीटा पहले से यहाँ पे था और माइनस ले लिए कॉमन, तो साइन हो जाएगा चेंज, यही देखिए जो प्लस कॉस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, तो सर याद देते हैं भी लगने, शुरू में यहाँ पर देखिए साइन लिखा हुआ है ना, तो पहले यही लिखते हैं प्लस कॉस है तो माइनस हो जाएगा, चेक कर लीजिए जरा, माइनस इंटू यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो क्या है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस साइन ही है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस कॉस ही है, साइन कुछ नहीं तो प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस साइन थीटा है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा अब बाई कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आई प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो बताइए दो, यहाँ जैसे माइनस माइनस है, साइन कुछ नहीं तो क्या चीज का साइन इंटू का, माइनस माइनस लिखा है बीच में कुछ नहीं तो प्लस माइनस लिखा है बीच में कुछ नहीं तो कौन का साइन इंटू का, दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, माइनस लिखा हुआ है प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पर कुछ नहीं तो कौन का साइन, तो फल है ना, तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, अब क्या करेंगे एलसीएम, तो लीजिए एलसीएम किसका लीजिएगा, कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का है ना, अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, जरा जगह बना लेते हैं, एलसीएम लेंगे कॉस थीटा इंटू वन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का है ना, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का है ना, यही ना है, मिला लीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो एलसीएम लेंगे, तो देखिए जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें भी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें भी है ना, जैसे टू और टू दोनों में रहता है टू से करता है जी वन टाइम, टू और टू दोनों में रहता है टू से कितना टाइम, उसी तरह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें भी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें भी, तो लगेगा साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा से, साइन थीटा माइनस किससे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का डिवाइड पे डिवाइड ना करें जी। जैसे यहाँ पर देखिए आप जो है फोर है एट है टू से लगा है तो टू टर्म्स और फोर टर्म्स, तो टू कहां से लाए डिवाइड किया आपने, ये फोर कहां से लाए टू एट डिवाइड किया यहाँ पे तो फोर टर्म्स कटा है ना, तो डिवाइड करके लगा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी डिवाइड कर रहे हैं कॉस थीटा इंटू वन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को डिवाइड कर रहे हैं किससे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, तो ये वाला हो जाएगा कट जाएगा बचेगा क्या कॉस थीटा है ना। उसी तरह फिर कॉस आपको क्या साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे इससे तो ये कट जाएगा बचेगा इस बार क्या साइन थीटा, और साइन क्या बचेगा साइन थीटा। एलसीएम ले रहे हैं एलसीएम ध्यान दीजिएगा एलसीएम ले रहे हैं इसमें भी साइन माइनस कॉस इसमें भी साइन माइनस कॉस, तो साइन माइनस कॉस से लग जाएगा तो डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा बचेगा कॉस, डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा बचेगा साइन, तो एलसीएम क्या आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अतुल कॉस थीटा और साइन थीटा, एलसीएम क्या जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और cos थीटा sin थीटा इनटू में इनटू यहां पर sin कुछ नहीं तो हो जाएगा इनटू का, अब बचा जो ये लास्ट में क्या करता है इसको इस सबको इनटू कर देंगे तो इसको 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 इनटू कर देंगे। अब क्या तो LCM क्या आया sin थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा sin थीटा, अब इसको डिवाइड करेंगे किससे इससे है ना, ये पूरे को डिवाइड करेंगे है ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा, ये पूरे को आप डिवाइड करेंगे किससे इससे, जितना एलसीएम आता है डिनोमिनेटर से डिवाइड, जितना एलसीएम आता है डिनोमिनेटर से तो ये एलसीएम इतना है इसको इससे डिवाइड कीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो cos थीटा कैंसिल sin थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल बचेगा sin थीटा, अब जितना आएगा एलसीएम उसको इससे इंटू कर देते थे तो sin थीटा को इंटू कर दीजिए किससे sin स्क्वायर थीटा से, तो यहां पर बताइए पावर कुछ नहीं तो क्या है तो वन है तो बेस सेम है पावर ऐड ना हो जाता है तो sin क्यूब थीटा बचेगा, क्या यहां पर आ जाएगा sin क्यूब थीटा, एकदम ध्यान दीजिएगा इस बात पे ठीक है ना, साइन थीटा पर डिवाइड कर रहे हैं साइन थीटा बचा साइन थीटा को इससे इंटू कर देते हैं ऊपर वाले से तो साइन क्यूब, उसी तरह यहां पर भी जितना एलसीएम आया उसको नीचे वाले से डिवाइड कीजिए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा को किससे डिवाइड किए साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, साइन थीटा कैंसल साइन माइनस कॉस कैंसल बचेगा क्या कॉस थीटा बचेगा क्या, अब कॉस थीटा को जितना आता है डिवाइड करके उसको ऊपर वाले से इंटू तो कॉस थीटा को इंटू कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो वन तब बेस सेम तब पावर एड होता है तो वन टू क्या हो जाएगा थ्री तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, क्या जाएगा कॉस क्यूब थीटा तो माइनस कॉस क्यूब थीटा ठीक है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू का, ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया ये तो समझ गए, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है ठीक है, क्लियर हो गया ना एलसीएम वगैरह कैसे किए डिवाइड वगैरह कैसे किए तो समझ गए, तो इसलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ जगह की मेरे पास ऐसे भी कमी, ये रफ कर रहे हैं कैसे कैसे किए सब रफ कर दिए इधर ठीक है ना, तो अब फॉर्मूला बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी ठीक है, फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये आपका फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, लगा दीजिए फॉर्मूला a माइनस बी तो a के जगह साइन थीटा माइनस बी के जगह कॉस थीटा है ना, a माइनस बी ना होता है तो a के जगह साइन थीटा और b के जगह a स्क्वायर तो a के जगह साइन थीटा तथा स्क्वायर है ना, थीटा का तो स्क्वायर होता नहीं है, थीटा का स्क्वायर
अब प्लस बी स्क्वायर तो बी के जगह कॉस थीटा था स्क्वायर, अब प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो इधर मैं लिख रहा हूं इक्वल साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होती है, वन, जानते हैं। साइन स्क्वायर मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होती है, वन। तो इसके जगह मैं लिख देता हूं वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह वन, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और क्या कॉस थीटा साइन थीटा, लगता है कुछ कटेगा जी। ये देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, तो क्या बचा ऊपर, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा। अब हमको एक चीज बताइए, एकदम ध्यान से देखिएगा, क्लियर है डाउट है। अब ध्यान से एकदम देखिएगा, टू प्लस थ्री बाई रहता है एट, तो अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, टू प्लस थ्री बाई एट है तो अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं अलग अलग, है ना। तो नीचे में बताइए, नीचे में देखिए यहाँ पर इंटू में है ना, तो एक ही को ना है, इंटू में करिएगा तो इंटू करने पर जैसे टू इंटू थ्री रहेगा तो एक ही को नंबर ना आएगा, तो अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे यही रहता तो अलग अलग कर सकते हैं, टू बाई फोर प्लस नाइन और थ्री बाई फोर प्लस नाइन, तो नहीं ऐसे गलत होता, कब सही होगा जब नीचे ए बोल रहे नीचे, ठीक है। तो अलग अलग कर देते हैं, वन बाई कॉस थीटा साइन थीटा, अब प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अब बाई कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। नीचे में वो है तो अलग अलग कर दिए, वन बाई एक बार इसके, तो यहाँ पर मैंने अलग अलग कर दिया वन के साथ इसको, और फिर साइन कॉस के साथ इसको, हम अभी और अभी मैंने बताया यहाँ पर अलग अलग आप कर सकते हैं, लेकिन अब रहेगा तो टू बाई फोर प्लस इलेवन थ्री बाई फोर पर अलग अलग नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। नीचे ए गो रहेगा तब अलग अलग कर सकते हैं, तो कहेगा सर यहाँ पर दो है, दो है यहाँ पर, अरे इंटू में ना है, इंटू करिएगा जैसे रहेगा नीचे, इंटू करके तो एक ही बनाएगा, जैसे टू प्लस फाइव बाई टू है तो टू प्लस फाइव बाई टू में एक ही बना दिया, इंटू में रहेगी यहाँ पर कुछ नहीं तो बच गए सर, इंटू में है तो इंटू करिएगा तो एक ही बना जाएगा, तो अलग अलग कर सकते हैं, बस हो गया और क्या, ठीक है। तो अलग अलग कर दिए तो ये कट जाएगा, कितना टाइम सबे कट, साइन साइन कट जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा, साइन साइन भी और कॉस कॉस भी, तो क्या बचा ये वन बाई कॉस, ऐसा करते हैं ना वन बाई कॉस है तो इसको लिख देते हैं वन बाई साइन, अब प्लस कितना टाइम, वन टाइम आ गया और क्या, अब आ गया वन बाई कॉस लिख सकते हैं ना, वन को अब वन इंटू वन अब दसों बार लिख दीजिए कोई दिक्कत है, वन इंटू वन वन इंटू वन इंटू वन टेन टाइम्स लिख दीजिए, हंड्रेड टाइम्स लिख दीजिए, गलती हो जाएगा, वन को कितनों बार इंटू कीजिए वन ही आएगा, तो वन बाई कॉस यहाँ पर साइन को तो कहेगा दो गो बन ले आए, तो वन इंटू वन बने ना होगा जी, अब कहेगा एक गो बन था दो गो बन ले आए, कहिए के गो बन है वो ऊपर में, यहाँ पर के गो बन लिख दिए ऊपर में दो गो, ये तो वन कहाँ पर काटना पड़ाया, ये वन कहाँ से आया है ना, डिवाइड करने पर काटने पर, ठीक है। आई इन वन इंटू वन लिखेगा तो कोई फर्क पड़ेगा, वन ही आ जाएगा, तो वन बाई कॉस हो जाएगा सेक, वन बाई साइन कॉसेक, है ना, पढ़े ना साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर ओ वन, है ना। ऐसे ही वन बाई कॉस मतलब कॉस का इनवर्स हुआ ये, तो कॉस का इनवर्स सेक, वन बाई साइन मतलब साइन का इनवर्स, तो साइन का इनवर्स कॉसेक, है ना। वन बाई कॉस जो हुआ, वन बाई कॉस जैसे मैं पूछूंगा कॉस का इनवर्स, कॉस का इनवर्स, इनवर्स मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला तो नीचे कुछ नहीं, तो हो जाएगा वन बाई कॉस, तो इनवर्स है, तो कॉस का इनवर्स इसको लिख सकते हैं, से कॉस का इनवर्स क्या होती है
उसी तरह साइन का इनवर्स क्या होता है, वन बाई साइन यानी साइन का इनवर्स कॉसेक प्लस वन, तो एक सरिया देते हैं इसको वन, पहले वन पहले लिख देते हैं, सेक थीटा इनटू कॉस थीटा बाद में। देखिए तो जरा ध्यान से यही लाना है, देखिए अब कोई दिमाग में सवाल आ रहा कि सर आप यहाँ पर ऐसे क्यों किए, तो ये पता करने के लिए, को आपको प्रूव करने के लिए नहीं किए, ये पता करने के लिए, जैसे हमको क्या किसमें तोड़ना है साइन और कॉस में, कैसे पता किए, जैसे साइन कॉस में तोड़े ना यहाँ पर जी, तो कैसे पता किए इसको पीछे किए तो आया क्या कॉस और साइन, तो इससे हमें पता चला कि साइन और कॉस में चेंज करना है, इसको पीछे की ओर ले गए तो पता चला कि किसमें तोड़ना है साइन और कॉस में तोड़ना है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव करना है इतना बराबर इतना, तो चलो मैं LHS इसमें हिंट दे दिया कि सिंपलीफाई करना है LHS और RHS सेपरेटली, मतलब अलग अलग, सेपरेटली मींस अलग अलग है ना, LHS और RHS को अलग अलग सेपरेटली आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो LHS लेते हैं और क्वेश्चन में हिंट दे दिया LHS और RHS को अलग अलग जो है सिंपलीफाई कीजिए, पहले चीज क्या है वन प्लस सेक के अब आई सेक के, तो सेक के कैंसर है, अरे 100% रॉन्ग, अगर यहाँ पे इनटू में रहता तब ना कैंसर करते, इनटू में रहता है तब कैंसर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो सेक के कैंसर नहीं हो रहा, वन प्लस सेक के है अब आई सेक के, चलिए है ना, ऐसे भी लाना है साइन कॉस, क्या लाना है ऐसे, जो लाना उस पर नजर भिराया के नहीं, जो लाना है उस पर नजर भिराए रखेंगे, तो क्या लाना है हमको साइन कॉस, तो बदल दीजिए सबको साइन कॉस में, तो इसको बदलिएगा तो वन वाई कॉस हो जाएगा, इसको भी बदलिएगा तो वन वाई कॉस हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो वन एलसीएम ले लिया ऊपर में, मेन डिवाइड ये हुआ जी एलसीएम ऊपर में एलसीएम ले रहे हैं ना, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस, एलसीएम ऊपर में ले रहे हैं तो कौसे हो जाएगा, और कौसे को वन से डिवाइड करेंगे तो कौसे, और फिर वन से इंटू करेंगे तो भी कौसे है ना, अब प्लस कौसे को कौसे से डिवाइड करेंगे वन, वन को वन से इंटू कीजिए वन, वन वाई कौसे, देखिए कौसे कौसे कट जाएगा यहाँ पे, कौसे कौसे यहाँ पर कट जाएगा डिवाइड में ना, नीचे नीचे कटता है ना, चलिए प्लान बढ़ाते हैं इसको सजाते हैं, वन प्लस कौसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, वाई कॉस है मेन डिवाइड का सिंबल देती है, ये वाला हो गया मेन डिवाइड, अब वन वाई कॉस है तो कॉस है कॉस कट जाएगा, डिवाइड में नीचे नीचे कटता है, चलो एक प्लान और बढ़ा देते हैं, वन प्लस कॉस है अब वाई कॉस है इनटू कॉस है वाई कट गया कॉस है कॉस है, तो क्या बचा वन प्लस कॉस है, नीचे वन वन लिखना कोई जरूरी नहीं है, नीचे नीचे बचा वन तो लिखना जरूरी है, अब इसमें कह रहा था कि LHS RHS अलग अलग सॉल्व करें, हालांकि एक ही में भी सॉल्व करने से भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है, ऊपर नीचे आप क्या कीजिए ना कि आप वन माइनस कॉस से इंटू कर दीजिए है ना, ऊपर नीचे चलिए दोनों में धर्म मैं बताता हूँ, पहले जो हिंट दिया है वो वाला बताता हूँ, हिंट में RHS लेते हैं, कारा तक दोनों लेना है LHS और RHS लेके सॉल्व कीजिए, हम डायरेक्ट LHS से भी ले आ सकते हैं, कैसे जो मैं बताता हूँ RHS, चलो मैं फिलहाल हिंट के अकॉर्डिंग चलता हूँ दोनों को लेकर, साइन स्क्वायर क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या वन माइनस है होता ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन माइनस थीटा, था तो थीटा और ए है तो यहाँ पर ए हो जाएगा, क्लियर, और वन माइनस कॉस है यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे वन स्क्वायर से गलती हो जाएगा, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला बना ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस और वन माइनस कॉस है, तो वन माइनस कॉस है वन माइनस कॉस है कैंसिल, तो बचा क्या प्लस कॉस, देखिए LHS में भी वन प्लस कॉस आया लास्ट में सॉल्व करते करते, RHS में भी सॉल्व करते करते वन प्लस, तो LHS इक्वल RHS हो गया प्रूफ। अब चलिए इसको मैं अल्टरनेट दूसरा मेथड से मैं बता रहा हूँ, अल्टरनेट यानी सेकेंड मेथड, अल्टरनेट मीन्स क्या होता है सेकंड मेथड, LHS को सॉल्व करते करते भी यही आया और RHS को भी सॉल्व करते ही आया, यानी दोनों इक्वल हो गया, तो इक्वल हो गया प्रूव हो गया,
चलिए मैं डायरेक्ट LHS से इस वाला मैं ले आऊंगा। LHS क्या था, 1 plus sec k / 22 sec k, तो लाना क्या हमको sin cos, क्या लाना है, तो चेंज कर दीजिए। तो ये किसमें चेंज होगा, cos में, 1 by cos होता है ना, sec का इनवर्स cos होता है जी, sec का इनवर्स, इनवर्स को 1 by लिख सकते हैं, sec cos का उल्टा है 1 by cos है, तो नीचे कुछ नहीं, तो मैं LCM ले लेंगे, तो क्या आया cos plus 1 अब by cos आया था, है ना, अब by 1 by cos है, cos कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा, इस तरह जाते हैं जरा, 1 plus cos अब by cos डिवाइड पॉइंट में, तो cos ऊपर 1 नीचे, cos कैंसिल, तो क्या बचा, 1 plus cos बच गया आपको, 1 plus cos, है ना। अब क्या करते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाई लाना क्या हमको नीचे, ऊपर ऊपर लाना है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर कब आएगा, 1 साइन स्क्वायर है मतलब 1 minus cos square। तो देखिएगा हमको लाना है क्या, साइन स्क्वायर है ना, नहीं समझ में आता है तो गाड़ी को थोड़ा पीछे कर लेते हैं, है ना, नहीं समझ में आती है तो गाड़ी को, तो क्या है मेरे पास RHS, गाड़ी मेरे पास RHS है, लाना क्या है साइन स्क्वायर ए अब बाई 1 minus cos, जरा इसको पीछे कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 1 minus cos square ए अब बाई 1 minus cos है, है ना, तो 1 minus cos square को लिख सकते हैं 1 plus cos into 1 plus cos into 1 minus cos अब बाई 1 minus cos। अच्छा तो हमको देखिए यहाँ पर ये देखिए RHS वाला है, ये क्या है RHS वाला है, जरा पीछे किए इसको, क्या किए, नहीं समझ में आता है तो गाड़ी को हम पीछे कर लेते हैं, तो जरा इसको पीछे ले गए, इसको RHS जो लाना है उस पर नजर भिरा रखिए, तो लाना ये इसको जरा हम पीछे ले गए, तो पीछे ले गए तो साइन स्क्वायर यानी 1 minus cos square फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर 1 को हम 1 square कर देते हैं, a² - b² तो a + b * a - b, है ना, यहाँ तो हमारे पास 1 plus cos ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है ना जी, लाना क्या है ये वाला, तो यानी 1 minus cos से ऊपर और नीचे इंटू करना पड़ेगा, तो खुद बा खुद आ जाएगी, ध्यान दीजिए, ना समझ में आया तो जरा इसे पीछे ले गए, तो पीछे ले गए तो ये आया, है ना, 1 minus cos तो 1 plus cos 1 minus cos अब इतना, तो 1 plus cos ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पहले से अवेलेबल है, 1 plus cos यहाँ पर ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, ठीक है। अब हमको लाना है ऊपर भी, देखिए ऊपर भी दिख रहा है 1 minus cos और नीचे भी, तो ऐसा करते हैं ना, मल्टीप्लाई बाई 1 minus cos इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो 1 plus cos को इंटू कर दिए 1 minus cos से और नीचे भी इंटू कर दिए 1 minus cos से, ठीक है, 1 plus cos को 1 minus cos से ऊपर भी और नीचे भी इंटू, तो पर बन गया फॉर्मूला a + b * a - b, तो a² और -b², ठीक है, अब बाई 1 minus cos, अब फिर से इसको ब्रेक मत कर दीजिए, 1² यानी 1 minus cos² अब बाई 1 minus cos, तो 1 minus cos² क्या होता है sin² है अब बाई 1 minus cos, यही लाना था ना, जरा देखिए तो RHS आ गया, हमको जो लाना था आ गया, 1 minus cos² हो गया, 1 square यानी 1, तो 1 minus cos² यानी sin² अब बाई 1 minus cos आ गया, ठीक है। तो देखिए अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, तो कहिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्यों नहीं बताए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा समय लगेगा, समझाने पड़ेगा उसमें, तो इससे वीडियो काफी लंबा चल जाएगा, 40 मिनट्स का लगभग वीडियो हो चुका है आपका, और अगर मैं 5 समझाऊं तो आपको 1 घंटा से ज्यादा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं छोटा छोटा ये दोनों क्वेश्चन है तो ये दोनों बता देता हूँ, और 5 और 8, 9, 10 जो अगले वीडियो में बता दूंगा, 5 इसलिए नहीं बताया क्योंकि उससे लॉन्ग वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए LHS लेते हैं, 6 में LHS अंडर रूट क्या है, 1 plus sin a और 1 minus sin a, ठीक है,
नहीं समझ में आता है तो जरा गाड़ी को पीछे ले आते हैं, तो क्या आ रहा है RHS sec k plus tan, तो 1 by cos a और sin a by cos a। अच्छा, यानी चेंज करना है sin में और cos में, चेंज करना क्या sin में, और तो sin तो है ही मेरे पास, और नीचे जो लाना है वो cos लाना है, नीचे क्या लाना है cos लाना है। तो देखिए क्या कीजिएगा, हम रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज समझते हैं ना, विद डिनोमिनेटर, रेशनलाइज मतलब साइन चेंज करते हैं, रेशनलाइज का मतलब साइन, किसका साइन चेंज करके डिनोमिनेटर का, तो मैं रेशनलाइज कर देता हूं, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इनटू साइन चेंज करके माइनस है तो प्लस करते हैं, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन, रेशनलाइज पढ़े ना आप लोग, रेशनलाइज का मतलब होता है साइन चेंज करके, और रेशनलाइज किसका किए हैं डिनोमिनेटर का, साइन चेंज करके 1 माइनस साइन ए है ना, तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर और नीचे दोनों, ऊपर नीचे इनटू किए यानी 1 से इनटू किए, ऊपर भी उतना ही से नीचे भी उतना ही से, यानी कितना से इनटू किए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रेशनलाइज न्यूमेरेटर का करते, अगर रेशनलाइज आप किसका किए होते तो 1 माइनस साइन ए से ऊपर और नीचे इनटू करना पड़ता, इसका साइन चेंज करता, लेकिन यहां रेशनलाइज किसका कर रहा है, डिनोमिनेटर का साइन माइनस है तो ऊपर प्लस प्लस करते, इसका रेशनलाइज करते हैं तो 1 प्लस साइन है ना, तो 1 माइनस साइन है से ऊपर नीचे, क्लियर है ना, तो नीचे में हमको कॉस लाना है, तो नीचे में कॉस कब आएगा, जब 1 माइनस साइन स्क्वायर है नीचे आएगा, तब कॉस आ गया ना जी, कॉस कब आने का चांस है, जब नीचे क्या है 1 माइनस, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर नीचे आ जाएगा, फॉर्मूला बन गया a प्लस b इनटू a माइनस, कॉस कब आएगा नीचे, जब ये आने का चांस है 1 माइनस साइन स्क्वायर है नीचे, ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है रूट में तो अपने आ जाएगा, देखिए ना तो नीचे आ जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अब भाई फॉर्मूला बन गया ये क्या a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अब भाई क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी क्या चीज cos स्क्वायर, ठीक है, तो 1 प्लस साइन है, तो बचा क्या यहाँ, इधर लिख देता हूँ, बचा 1 प्लस साइन है, अब भाई दूगो है ना 1 प्लस साइन है, तो वो निकल गया बाहर, नीचे भी दूगो है तो वो निकल जाएगा बाहर, 1 प्लस साइन है दो को है स्क्वायर, तो एक निकलेगा इसमें भी वो निकलेगा, अब अलग अलग कर देते हैं 1 बाई cos है और साइन है बाई cos है, अलग अलग कर दिए तो sec प्लस tan आ गया, कितना आसान था, क्या क्या मैंने रेशनलाइज किया, क्या क्या रेशनल, पीछे ले गए तो पता चला cos में, तो न तो sin cos तो sin है ही यहाँ पे, तो cos नीचे कब आएगा, जब नीचे लाना पड़ेगा 1 माइनस sin स्क्वायर, तो 1 माइनस sin स्क्वायर कब होगा, जब इनटू कर दीजिएगा रेशनलाइज डिनोमिनेटर का करके, तो वहाँ a प्लस बी है माइनस बी, तो 1 माइनस sin स्क्वायर आ गया नीचे, तो कर दिए, उसके बाद दो में से वो निकाल दिया, अलग अलग कर दिया, ई वाला ये तो इतना आसान है ना, बड़ा को छोटा करना आसान कि छोटा को बड़ा करना आसान, बड़ा को छोटा करना, तो बड़ा कौन दिख रहा है आपको LHS, बड़ा कौन दिख रहा है, तो बड़ा को छोटा करना आसान होता है, तो ऊपर में जरा देखिए साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, ऊपर में क्या कॉमन हो जाएगा साइन थीटा, तो बचेगा 1 और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या कॉमन हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, तो बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर इंटरमीडिएट का फॉर्मूला जानते हैं तब तो तुरंत बन गया, एक फॉर्मूला में लिखा था sin 2a का, sin 2a का फॉर्मूला लिखाए थे 2 sin a into cos a, एक फॉर्मूला लिखाए थे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, और लिखाए थे 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तीनों sin 2a का ही फॉर्मूला है, तीनों का तीनों फॉर्मूला जो है साइन 2a का है, 2 साइन ए कॉस ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो देखिए ऊपर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है और नीचे में 2 कॉस स्क्वायर माइनस है, तो दोनों साइन 2a का फॉर्मूला है, तो दोनों सेम फॉर्मूला है, तो कट जा सकता है कि नहीं कट जाएगा, लेकिन आप इंटरमीडिएट का फॉर्मूला हो सकता है आपको याद ना हो, छोड़िए हम 10th क्लास में जो फॉर्मूला पढ़े वही बताते हैं, चलिए ऐसा करते हैं ना, हम चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं ए को चेंज कर देते हैं, एक ठो को हम क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, ठीक है, अब तो 2
कॉस स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। स्मॉल ब्रैकेट पहले से तो कर्ली ब्रैकेट, जल्दी यार, टू कॉस स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला था? वन माइनस साइन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन टू ए, दोनों साइन टू ए का फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट कट जा सकता है, लेकिन हम कहिए हमको इंटर का फॉर्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं, टेंथ में घर से बता रहा हूँ, तो दोनों में से एक को चेंज किए, दोनों को चेंज नहीं करिए, दोनों में से एक को चेंज कीजिएगा तो आराम से कट जाएगा, तो इसको छोड़ दिए ऊपर वाला का, नीचे वाला को चेंज किया, टू यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला वन माइनस साइन स्क्वायर, सब लोग जानते हैं फॉर्मूला, जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ओ वन, तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो चलिए साइन थीटा ऊपर बचा तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, अब वाई कॉस थीटा इंटू टू माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस वन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, अब वाई वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, है ना, अब वाई कॉस थीटा इंटू बताइए टू माइनस वन वन हो जाएगा टू अब माइनस वन वन हो जाएगा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो टू साइन वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचा साइन बाई कॉस यानी क्या चीज टेन थीटा यानी आर एच एस आ गई, रूप कितना आसान था ना, ध्यान दीजिए सबको, दोनों का चेंज नहीं करिएगा, ऊपर साइन तो है तो नीचे कॉस वाले को साइन में चेंज किए, तो टू से दोनों से नहीं टू हो जाएगा, तो टू और टू साइन स्क्वायर थीटा और टू माइनस वन क्या हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर, तो ऊपर भी वही है नीचे भी वही कट जाएगा, साइन बाई कॉस बचा यानी टेन थीटा, और यार कितना आसान था, तो चलिए इस वीडियो को यही पॉज करते हैं और फाइव क्वेश्चन में अगले वीडियो में बताऊंगा, फाइव एट नाइन और टेन मैं अगले वीडियो में इसको खत्म कर दूंगा इस चैप्टर को, ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं और वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और देखिए दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, खासकर उन दोस्तों को जो कहते हैं हमें ट्रिगोनोमेट्री समझ नहीं आती है, उसको आसान लगेगा जब आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, तब जो इंट्रोडक्शन क्लास अटेंड कर लेंगे तो